नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की टॉपिक क्या है। आप लोग को पता होगा कि इंडिया में हर साल कई सारे हादसे होते हैं जिसमें कि बहुत सारे जाने भी जाते हैं, लेकिन कुछ गाड़ी ऐसे होते हैं जो कि बड़े से बड़े एक्सीडेंट के बाद भी अपना और पैसेंजर्स की सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हादसा देवगढ़ सिटी का है, जहाँ इसके ओनर अपने तीन दोस्तों के साथ कहीं पे जा रहे थे। गाड़ी करीब करीब 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में था। टर्न लेते हुए गाड़ी अनकंट्रोल हुआ और कई रोल के बाद रास्ते के साइड में गिरा। पिक्चर देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक्सीडेंट कितना भयानक हुआ होगा। इसका सारा पहिया खराब हो चुका है और इसका ऊपर का हिस्सा भी बहुत डैमेज हुआ है। हालांकि इसके बॉडी में इतना डैमेज नहीं देखा जा सकता, लेकिन इतना भयानक हादसे के बावजूद गाड़ी में बैठे सारे पैसेंजर सही सलामत बच गए। दोस्तों, इससे पता चलता है कि टाटा का बिल्ड क्वालिटी कितना अच्छा है। अगर इसके जगह कोई अदर कंपनी का गाड़ी रहता, उसका क्या हालत हुआ होता, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। दोस्तों, आप लोग पूछोगे कि टाटा के ही गाड़ियों का एक्सीडेंट ज़्यादा क्यों होता है। ऐसा नहीं कि टाटा के ही गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट सबका होता है, लेकिन टाटा के गाड़ियाँ लोगों का ज़िंदगी बचा के देते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा खबरों में आते हैं। खबरों में मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ भी बहुत रहते हैं, और इसका कारण आप लोग को पता है कि क्यों रहते हैं। ये इमेज में आप लोग देख सकते हो कि एक मारुति सुजुकी की गाड़ी ऑटो से भिड़ गया और किसका कितना डैमेज हुआ। बिल्ड क्वालिटी के मामले में टाटा की गाड़ियाँ ज़बरदस्त रहते हैं और उसके प्राइस भी बहुत कम रहते हैं। वहीं आप अगर मारुति के गाड़ियों के पास देखोगे तो उसका फीचर्स तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके बिल्ड में इतना दम नहीं रहता है। टाटा अपनी देश की कंपनी है, टाटा को सपोर्ट करें, देश को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।